हेलो गाइस, आज हम आपको टूर कराने वाले हैं जैन बॉयज़ हॉस्टल, जवाहरलाल नेहरू बॉयज़ हॉस्टल। आइए चलिए देखते हैं कैसा है हमारा हॉस्टल, लेट्स सी। यहाँ पर आते से ही आपको दिख जाती है आसपास हरियाली। ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पर हम वॉलीबॉल खेलते हैं। खैर, अभी यहाँ से बारिश के कारण नेट जो है वो गिरी हुई है तूफान आने के कारण, और हम अभी नहीं खेलते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने से जस्ट बिल्डिंग दिख जाती है और यहाँ पर लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, ये कार हमारी नहीं है, ये कार दूसरों की है। और आसपास देख सकते हैं आप, ये कितनी काफ़ी हरियाली है। इस हरियाली में हम रहते हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। आइए अंदर की ओर। यही ये हमारा एंट्रेंस गेट है और ये पार्किंग एरिया है। और ये भाई साहब अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको अखबार मिल जाता है, इधर हिंदी अखबार और इधर इंग्लिश अखबार। कभी कभी अखबार बच्चे यहाँ से उठा के ले जाते हैं ताकि, और हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो सर, आप क्या पढ़ रहे हो अखबार में? न्यूज़ पढ़ रहे हैं। न्यूज़ पढ़ रहे हैं। आप कौन से कॉलेज से? आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? स्कूल ऑफ योगा। स्कूल ऑफ योगा। कौन सा कोर्स कर रहे हो योगा से आप? एम ए इन योगा। तो सर, भैया जो है हमारे एम ए इन योगा कर रहे हैं। आपका नाम बता दो। हेमेंद्र सिंह जी केवट जो हैं एक कोर्स कर रहे हैं और एक गाड़ी रखी है ये साइकिल पे। और अभी ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हैं कि गलियारे से आपको वाकिफ कराते हैं। देखिए कितना प्यारा गलियारा है यहाँ पर, बहुत प्यारा नज़ारा देखने को मिल जाता है। ये देखिए, वो आम का पेड़ है, ये बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं और ये है जगह। तो यहाँ पर हॉस्टल में विंग बने हुए हैं, एक इधर भी विंग है और इधर भी विंग है और ऐसा ही ऊपर है। और जस्ट हमारे सामने जो है वो मेस है, लेकिन मेस अभी क्या है कि बंद पड़ी है। यहाँ पर बच्चे लोग जो है वो इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो अभी सब घर चले गए, तो मेस बंद पड़ी है। आइए चलिए ऊपर चलते हैं स्टेज पर और देखते हैं ऊपर का। ऊपर 39-53 के रूम इधर है और 25-38 रूम जो वो है इधर है। आइए देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं हॉस्टल्स में। रूम दरवाज़ा खटखटाते हैं, ये भी बंद है लगभग सारे। तो हम आपको, मैं अपने विंग में ले चलता हूँ। ये हमारी विंग है और मेरा रूम नंबर जो है, रूम नंबर नहीं बताने का, उनको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब हमारे रूम की ओर एंटर करते हैं। ये हमारे मित्र दीपांशु भाई पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ खा पी भी रहे हैं। हम भी कुछ खा लेते हैं, इमली खा रहे हैं, हम भी थोड़ा सा इमली ले लेते हैं। और ये हमारा लैपटॉप रखा है, अब अच्छा लग रहा है ना। देखिए वेबसाइट भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा रूम है और रूम की स्पेस, ये DAVV का अपना वेबसाइट है। ठीक है, और अब हम बताते हैं, रूम में आपको टेबल मिल जाती है, दो कुर्सी मिल जाती है, मटका खरीद के लाना पड़ता है, बोल भी आपको खरीद के लानी पड़ती, गद्दे भी खरीदना पड़ते हैं। यहाँ पर आपको बेड मिल जाता है और कूलर वगैरह भी आपको खरीदना पड़ेगा क्या। और ये आपको ऐसा सामान अलमीरा रखने को मिल जाती है। ये हमारा अलमीरा, हमने इसमें सामान रख रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर ताक मिल जाती है जहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। और बस यही है, चलिए बाहर चलते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं अपन। और हम आगे जस्ट करते हैं रूम की ओर। तो अब हम आपको ले चलते हैं हमारे मित्र जो कि डेटा साइंस से पढ़ रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं उनके रूम में, रेड मारते हैं। सॉरी, गुड मॉर्निंग सर, माफी कीजिए, आपका दरवाजा हमने इस तरह से धक्का दिया। और सर क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई। क्या चल रहा है? एग्जाम चल रहे हैं आपके? ऑलराइट। नहीं नहीं सर, बस हम ऐसे शूट करने आते हैं। देखो जी आप क्या कर रहे हो, मतलब रूम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो भी ठीक है सर, पढ़ाई चल रही है, सर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम सर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और इस तरह से बाहर से नहीं लगाते और आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए, और हम दूसरे रूम में आते हैं, रूम नंबर 37 जो कि हमारे नवदीप भाई का है। और ये पर्दा लगा रहा है, पर्दे वाले लोग हैं भाई। और नवदीप भाई कैसे, क्या भाई? भैया ये तो अपनी शक्ल नहीं बताना चाहते, आगे बढ़ते हैं। चलो आइए, आया आया आया। तो आइए की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको वॉशरूम जो है वो कॉमन मिलता है, हम वॉशरूम की फ़ोटो नहीं बताने वाले हैं।
मैं नहीं बताऊंगा। काफी अच्छे हैं, ठीक है, और ये बढ़िया गलियारा है, और ये हमारे रवि हॉस्टल में आपको एक इथरनेट की भी सुविधा मिल जाती है, जहाँ पर आपको डेटा एक्सेस करने को मिल जाता है आपको, और वाईफाई भी लगा हुआ है यहाँ पर। आप वाईफाई से भी आपको स्टूडेंट लॉगिन आईडी मिलता है कॉलेजेस से, वहाँ सर आप लॉगिन करके आप डेटा यूज़ कर सकते हो। तो ये वही, ये पानी भी मिल जाता है आपको, ठीक है, ये पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी है, और एक ये भी है। आइए देखते हैं यहाँ पर भी किसी रूम में चलते हैं, भाई लोगों को इधर कम जाते हैं, लेकिन ये भाई लोग आइए रूम में आइए आइए। ये भाई लोगों का कल एग्ज़ाम है, ये भी डेटा साइंस से है, और ये हमारे बहुत और सर क्या चल रहा है? बस सर फॉरकास्टिंग चल रहा है। डेटा फॉरकास्टिंग चलो बढ़िया बढ़िया, हम पढ़ाई चल रही है, तगड़ी चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए दूसरे रूम की ओर चलते हैं, आइए। अबे बस हो गया, रूम ज्यादा नहीं दिखाने पड़ते। अब हम थोड़ा, आप तो छत की तरफ ले जाते हैं, छत भी काफी अच्छी है यहाँ पर। और ये छत का नज़ारा भी काफी सुंदर है यहाँ पे, आप देखोगे तो इतनी हरियाली दिखेगी आपको, यहाँ पे चिड़ियाओं की भी आवाज़ आती रहती है, तो काफी अच्छा लगता है यहाँ पर हमें। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, तो इधर ज़्यादा गाड़ियों का रश नहीं आता है, गाड़ियों का शोर नहीं आता है, और यहीं पे आपको ऑडिटोरियम भी मिल जाता है, तो जब भी आपका कॉलेज का कोई भी प्रोग्राम होता है तो आपको सीधा ऑडिटोरियम यहीं से देखने को मिल जाता है, तो आप सीधे जाके ऑडिटोरियम जा सकते हैं आपको। और लोग खेल रहे हैं, और ये देखिए कितना काफ़ी प्यारा नज़ारा है, ये देखिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टूर, और यदि हॉस्टल में जो एडमिशन लेना है उसके लिए हम प्रोसीजर जो है अपनी एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी डीएवी में हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहता है, जो भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कभी डीएवी में पढ़ते आते हैं, तो उन्हें आप रेफ़र कीजिए कि वो हॉस्टल यहीं का प्रीफर करें, ताकि यहाँ पर आपका जो अमाउंट जो है वो भी कम लगता है, और आपको जो है रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, जो कि आप बाहर ज़्यादा रहते हो तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आप कम पैसा खर्च करके एक बहुत अच्छी जगह रह सकते हैं। तो दोस्तों को आप अपने रेफ़र करें, और धन्यवाद यूट्यूब में जुड़े रहने के लिए।